कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट करें, बदले में हम भी आपको लाइक्स करें, कमेंट्स करें। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हम उन लोगों में से हैं जो दूसरों को सपोर्ट करने वालों में से हैं। आज तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा कराची, हमारा इलाका सब कैसा लगता है रात के 2 बजे। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना सन्नाटा है, ठंडी ठंडी हवा है। ये जो दरख्त देख रहे हैं ना आप, जो हमारा बादाम का दरख्त है, वैसे इसके जो बादाम लगते हैं ना उनमें ज़रा भी मिठास नहीं होती है। ये देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन ये खाने में बिल्कुल ना टेस्टलेस होते हैं। कुछ लोग बहुत पसंद भी होते हैं ये, लेकिन इनमें कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें आप करीब से देखें, ये देखिए जो है बादाम लगे नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन अभी ये कच्चे हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ हमारे घर नारियल का तरफ से। ये देखिए नारियल, सो काइंडली आप ज़रा गौर से देखेंगे तो नारियल के अभी नई नई अपनी माँ को भी मोबाइल दे सकते हैं तो देख सकती हैं नारियल के पौधे निकले हुए हैं। और ये देखिए नए फूल निकला है, इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्द नारियल भी लगेंगे। और एक वो रहा दरख्त हमारा नारियल का, तो अभी हमने इसकी करनी है, हमने क्यारी का सामान ला के रखा हुआ है। हमारे नारियल को काफ़ी टाइम हो गया है कि इसमें खाद नहीं डली है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अपनी क्यारियों को नए तरीके से बनाएंगे और इसमें खाद डालेंगे और फिर जो है इसकी हम पंजाबी में कहते हैं ना बोटी करना, वैसे हम इसकी वो करेंगे। अच्छा आज मैं कुछ करती हूँ, हमारे घर के सामने मस्जिद भी है, ये देखिए ये वैसे इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रही है, छुपी हुई है, तो किसी दिन के टाइम में मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें यहाँ से लेके वहाँ तक सन्नाटा ही सन्नाटा है, हर चीज़ में सन्नाटा है। देखें कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा माहौल है और नीचे दरख्त के नीचे बैठने की जगह भी है जिसमें माशाल्लाह से सारा दिन लोग बैठते हैं। एक दरख्त लगाना सवाब की नियत से बहुत सवाब होता है, उसके साइड में बैठने वाले जितने लोग बैठते हैं उसका सवाब आपको मिलता है। अच्छा ये है गली का दूसरा पार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ भी बादाम का दरख्त है। एक्चुअली कराची में ना आपको बादाम की तरफ, आम की तरफ और नारियल की तरफ देखने को मिलेंगे। ये देखें हमारे सामने आ गए और 4 नारियल के दरख्त हैं माशाल्लाह से। एक्चुअली यहाँ पे लोग क्या करते हैं, नारियल के दरख्त लगाते हैं, फिर भी जो नारियल होते हैं ना तो वो सेल भी करते हैं, मतलब अच्छी खासी कॉस्ट मिलती है इसको सेल करने पे उनको। तो वहाँ से हमारे यहाँ इतने नारियल लगते नहीं हैं, लेकिन मतलब जो हमारा अपना दरख्त है, लेकिन जैसे आप सामने दरख्त देख रहे हैं इस पर माशाल्लाह बहुत नारियल लगते हैं और ये लोग एवरी मंथ जो है मतलब ये उतरवाते हैं और उसे सेल करते हैं। तो मतलब ये लोग अच्छे लोग अच्छे खाते पीते हैं, वो इसे कम से कम कॉस्ट में भी सेल कर देते हैं, एटलीस्ट 600-700 डिपेंड करता है कि आपके पास नारियल कितने ज़्यादा थे और कितने नहीं। तो कराची जब आएंगे ना आपको तो हर घर में एक नारियल का दरख्त देखने को ज़रूर मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको हर घर में नारियल का दरख्त देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी दिन हम आपको दिन के टाइम पे दिखाएंगे कि कराची कैसा लगता है, यानी कि शाम के टाइम पे, शाम के टाइम में मैं आपको किसी दिन पूरा दिखाऊँगी कि कैसा व्यू है, कैसा है माहौल, कैसा है लोग, कैसे हैं, किस तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँगी। आपको प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, मुझे अपनी वीडियो को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। और ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।